दोस्तों, आज से अरबों साल पहले हमारी इस धरती पर ऐसे बड़े बड़े मशरूम्स हुआ करते थे, लेकिन ये समय के साथ साथ इस दुनिया से लुप्त हो गए। आज की हमारी दुनिया में मशरूम्स के लगभग 50,000 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती है। तो इन्हीं मशरूम्स में से मैं आपको एक ऐसा मशरूम बताऊंगा जिसे खाने के बाद जब तक आप जिंदा रहोगे तब तक तो आपको भूख बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और क्या आपको पता है, जापान में एक बार एक ऐसा टोर्नेडो आया था जो कि आग का बना हुआ था। आपने नॉर्मली ऐसे टोर्नेडो देखे होंगे, लेकिन ये आग का बना हुआ था जिसकी वजह से 38,000 लोगों की जान चली गई। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके आया हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को एंड तक और ध्यान से जरूर देखना। दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फैक्ट नंबर 10 से शुरू करते हैं। इस दुनिया में जितने भी पेड़ हैं, उन सभी पेड़ों के पत्तों का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस होता है। चाहे वो कहीं पर भी हो, कितनी भी ऊंचाई पर हो, कोई सा भी मौसम हो, कितनी भी तेज गर्मी हो, इनकी पत्तियों का टेम्परेचर हमेशा 21 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। मतलब पेड़ों में जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, पेड़ों के खाना बनाने का प्रोसेस, वो इसी टेम्परेचर पर होता है। पेड़ों में ऐसी खूबी होती है कि वो इसी टेम्परेचर को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। देखा जाए तो ये एक नेचुरल एसी है और इस एसी की हमारी अर्थ को बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यही इकलौती ऐसी चीज है जो कि हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकती है। अब आप समझ रहे होंगे कि पेड़ कितने जरूरी है हमारे लिए, इसलिए कहते हैं कि पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ। इस फैक्ट के लिए एक लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दो। इस फैक्ट के लिए 20 लाइक्स का गोल रखते हैं। फैक्ट नंबर 9, किसी छोटे से बच्चे का हाथ जो होता है, अगर वो खुला हुआ है एकदम रिलैक्स तरीके से, तो इसका मतलब वो बच्चा एकदम नॉर्मल है, सही है, उसे भूख नहीं लग रही है। लेकिन यही अगर वो बंद है और बहुत देर से बंद ही पड़ा है, तब समझ जाओ कि उसका बॉडी खाने के लिए कह रहा है, उसे भूख लग रही है। ये बहुत ही अमेजिंग साइन है, किसी भी बच्चे को देखकर आप ये पता लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 8, आपने मूवीज में देखा होगा कि जो सुपर हीरोज होते हैं, वो जब लैंड करते हैं तो एक स्टाइल में लैंड करते हैं, जैसा कि आप इन इमेजेस में देख पा रहे हो। ये सुपर हीरोज का स्टाइल होता है लैंड करने का। तो ऐसा ही एक जानवर है जो कि एक गिलहरी है, वो जब लैंड करती है तो एकदम सुपर हीरोज की तरह लैंड करती है। मतलब इसका स्टाइल किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। देखो इसे, मस्त है ना। फैक्ट नंबर 7, ये फैक्ट आपको जरूर जानना चाहिए। धरती पर जहाँ तक इंसान है, जितने लैंड में, जितने एरिया में, उन सारे एरिया में लगभग हर जगह पर अर्थक्वेक का एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब दुनिया में लगभग हर जगह पर भूकंप आया है, और आपने भी भूकंप का एक्सपीरियंस कभी ना कभी तो किया ही होगा। लेकिन क्या आपको पता है, नॉर्थ डकोटा ही एक ऐसी जगह है इस पूरी धरती पर जहाँ पर एक भी अर्थक्वेक आज तक भी नहीं आया। मतलब नॉर्थ डकोटा ने आज तक भूकंप नामक चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज उस सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही फैक्ट वीडियोस लाते रहते हैं। और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। फैक्ट नंबर 6, हमारी अर्थ का कंपैरिजन अगर सूरज से किया जाए तो ये है हमारी अर्थ और ये है हमारा सूरज। ये छोटी सी जो देख रहे हो, यही है हमारी धरती। कितनी छोटी है ना, और बाकी सब प्लेनेट भी कितने छोटे हैं। लेकिन अगर हमारे सूरज को उससे भी बड़े तारे से कंपेयर करें, तो देखो ऐसा दिखता है हमारा सूरज इस बड़े तारे के सामने। जैसी हमारी पृथ्वी सूरज के सामने दिख रही थी, वैसा ही ये सूरज इस तारे के सामने दिख रहा है, और इस तारे का नाम ये है। और आप जो रात को आसमान में जितने भी तारे देखते हो, ये इतने सारे, ये सारे के सारे तारे इस एरिया में ही मौजूद है। ये हमारी गैलेक्सी का पिक्चर है जिसका नाम है मिल्की वे, और हम तो सिर्फ उन्हीं तारों को देख पाते हैं जो हमारे एरिया के आसपास हैं। सोचो ये पूरा गैलेक्सी कितना बड़ा है, और जो इतना बड़ा गैलेक्सी आप देख रहे हो, इसे भी हम इससे भी बड़े गैलेक्सी से कंपेयर करें जिसका नाम IC 1101 है, तो देखो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कितना छोटा सा दिखता है। इसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि इंसान नामक चीज भी इस जगह पर एक छोटे से तारे के चारों तरफ घूमते हुए एक प्लेनेट पर रहती है। अब सोचो यूनिवर्स कितना बड़ा होगा। फैक्ट नंबर 5, अगर आप नॉन ग्रेविटी वाली जगह पर एक मोमबत्ती को जलाते हो तो वो आपको कुछ इस तरह से जलती हुई दिखाई देगी, एकदम गोल राउंड शेप में और ब्लू कलर में। अमेजिंग है ना, लेकिन इसके लिए ग्रेविटी नहीं होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 4, स्टूडेंट्स के एक सर्वे के हिसाब से 90% ऑफ द टाइम कुछ ऐसा होता है
जब एग्जाम शुरू होता है तब स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग हैंडराइटिंग कुछ ऐसी होती है, पर जब एंड होता है तो तब कुछ ऐसी हो जाती है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जैसे टॉपर्स या कोई भी जो अपने आप को लास्ट तक कंट्रोल रख पाए कि मुझे लास्ट तक ही अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। फैक्ट नंबर 3, जापान में साल 1923 में एक ऐसा अर्थक्वेक आया था जिसने बहुत तबाही मचाई थी, और उस अर्थक्वेक की वजह से एक टोर्नेडो भी आ गया था, और वो टोर्नेडो नॉर्मली जैसा आप देखते हो वैसा नहीं था, बल्कि ये टोर्नेडो आग का बना हुआ था और ये फायर टोर्नेडो के नाम से भी फेमस हुआ था। और ये टोर्नेडो लगभग 15 मिनट तक रहा था, जिसके चलते 38,000 लोग सिर्फ 15 मिनट में ही मर गए थे। ये अब तक का सबसे अजीब और भयानक टोर्नेडो था। फैक्ट नंबर 2, वेंटा ब्लैक नाम का एक मटेरियल है जो कि इस दुनिया का सबसे ब्लैक सबसे काला मटेरियल है। मतलब इससे ज्यादा काली चीज इस दुनिया में है ही नहीं। ये इतना ज्यादा डार्क है कि ये लाइट का 99.96% एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब लाइट इसमें जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर वापस नहीं आएगी। और ये इतना काला है कि आप जिस फोन की स्क्रीन पर इसे देख रहे हो वो स्क्रीन भी इसके एक्चुअल कालेपन को नहीं दिखा पाएगी, इतना ज्यादा ब्लैक है ये। और इसका नाम वेंटा ब्लैक है, याद रखना। फैक्ट नंबर 1, मैंने आपको इस दुनिया का सबसे जहरीला सांप बताया है, इस दुनिया की सबसे जहरीली फिश बताई है, और अब मैं आपको इस दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम दिखाने वाला हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हो इस मशरूम का नाम है अमानिता फालोइड्स, और ये दुनिया का सबसे जहरीला मशरूम है। इन्हें अधिकतर डेथ कैप के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये सभी जगह पर पाए जाते हैं, लेकिन ये ज्यादातर इटली में मिलते हैं। इस मशरूम के एक छोटे से टुकड़े में इतना जहर होता है कि वो एक मनुष्य की जान लेने के लिए काफी है। मशरूम्स में होने वाली डेथ में यही मशरूम सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। इसका जहर सीधा लीवर पर प्रभाव डालता है और मनुष्य की आधे घंटे के अंदर ही जान ले लेता है, इसलिए इसको खाने वाला इंसान आधे घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और आपको जो फैक्ट सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।